नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने के बाद ममता बनर्जी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गई हैं। बंगाल में खेला होबे का नारा देने के बाद अब दीदी का अगला टारगेट लोकसभा चुनाव के बाद खुद को तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा करने का। दीदी ने इसके लिए देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी। यूपी, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में अगले 3 साल विधानसभा के चुनाव हैं। ममता बनर्जी अगले साल होने वाले इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बहाने पार्टी की जमीनी तैयारी शुरू कर चुकी है। वे फिलहाल यहाँ पार्टी की उपस्थिति चाहती है। उन्होंने यहाँ पार्टी संगठनों को विस्तार देने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इन राज्यों से भाजपा कांग्रेस समेत स्थानीय पार्टियों के कई दिग्गज नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं। गोवा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलेरियो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ममता ने उन्हें बंगाल से राज्यसभा भी भेज दिया है। लुइजिनो फेलेरियो ईसाई समुदाय से आते हैं, जो गोवा में हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी आबादी। ममता यहाँ ईसाई समुदाय को साधने के साथ उन हिंदू वोटर्स को भी अपने पाले में करना चाहती हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ किसी तीसरे दल के विकल्प के तौर पर देखना चाहते हैं। बंगाल जीतने के बाद ममता ने असम और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ममता ने असम की सिलचर से कांग्रेस की सांसद रह चुकी सुष्मिता देव को पार्टी में शामिल कराया। टीएमसी ने उन्हें बंगाल से ही राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर में ब्राह्मण चेहरे बने ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। ललितेश यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंत कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र है। वे 2012 में नक्सल प्रभावित मणिहान सीट से विधायक भी रह चुके हैं। ललितेश का परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहा। ममता बनर्जी त्रिपुरा में भाजपा को जोरदार झटका दे चुकी है। दरअसल भाजपा विधायक आशीष दास यहां टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। टीएमसी प्रदेश में भाजपा को पछाड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की नजर भाजपा के असंतुष्टों पर दिख रही है। विधायक आशीष दास को टीएमसी में शामिल कराना इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ बंगला भाषी वोटर्स के अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बड़ा उलटफेर करने का मादा रखती है। बंगाल में जिस तरह पार्टी ने महिलाओं और खासकर मुस्लिम मतदाताओं को खुद से जोड़े रखा, उसी तरह त्रिपुरा में भी टीएमसी इन्हें अपना कोर वोट बनाने की तैयारी में है। ये अब तक वाम दलों के वोटर्स रहे। ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर तक दिल्ली दौरे पर है। वे यहाँ सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाली है। इस मुलाकात से पहले ही उन्होंने कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। सबसे पहले जेडीयू के सांसद रह चुके पवन वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली है। इसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद, पत्नी पूनम आजाद के साथ ममता के सांसद भतीजा अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। यहाँ पहले से मौजूद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके चंद घंटे बाद ही हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद रह चुके अशोक तंवर भी ममता से मिले और टीएमसी में शामिल हो गए। तंवर कभी राहुल के करीबियों में गिने जाते थे। ममता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर के सहारे बिहार और हरियाणा में पार्टी संगठनों को मजबूत करने का प्लान बना रही है। मशहूर लेखक जावेद अख्तर और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने भी मंगलवार को दिल्ली में ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इनके बीच क्या चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार उन्होंने वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। कुलकर्णी अभी अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार हुआ करते थे। वाजपेयी की तबीयत खराब होने के बाद वे लाल कृष्ण आडवाणी के सलाहकार बन गए हैं। कुलकर्णी ने ही 2009 लोकसभा चुनाव से पहले अडानी फॉर पीएम कैंपेन शुरू किया था। राजनीतिक क्षेत्र में सुधींद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी के रूप में जाना जाता था। कुलकर्णी 13 साल तक भाजपा में सक्रिय रहे। 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था। हालांकि उन्होंने इस दौरान कहा था कि वे पार्टी के शुभचिंतक बने रहेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे लगातार उन पर टिप्पणी करते रहे। बाद में राहुल गांधी के समर्थन में भी बयान देते रहे। 2019 में मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद कुलकर्णी पूरी तरह से हाशिए पर चले।
हालांकि इसके बाद अडानी से भी वे दूर ही रहे। बंगाल विधानसभा में भारी जीत के बाद भाजपा के दिग्गज नेता रहे और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए। सिन्हा अभी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी भी इसी साल जुलाई में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद 2012 और 2014 के चुनाव में अभिजीत बंगाल की जंगीरपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। हालांकि 2019 के चुनाव में वे 3rd नंबर पर पहुंच गए। तो ये थे आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।